दोस्तों अगर आप भी शार्दुल ठाकुर और धवन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने अपनी घातक गेंदबाजी से पूरे दूसरे वनडे मैच को ही पलट कर रख दिया और कैसे धवन की चतुराई और ठाकुर की जोड़ी ने आज वेस्टइंडीज की टीम की कमर तोड़ कर रख दी, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शार्दुल ठाकुर और सिराज में बेहतर गेंदबाज कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में सीरीज का दूसरा वनडे मैच चल रहा है। पिछले मैच में हार के बाद मानो वेस्टइंडीज की टीम उसका बदला लेने के लिए ही मैदान में उतरे थे। दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान ने टॉस जीता और निकोलस पुरन ने टीम के लिए बल्लेबाजी चुनी। वेस्टइंडीज की टीम का मकसद रहा होगा कि मैदान में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे और पारी के 9वें ओवर तक वो इसमें सक्षम भी रहे। दोस्तों 9वें ओवर तक वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर 60 के पार जा चुका था, मतलब कि उनका प्लेऑफ तो सफल रहा था। हालांकि उसके बाद दीपक हुड्डा ने विकेट लिया और बैक टू बैक युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल भी बीच में विकेट ले गए थे। लेकिन वेस्टइंडीज की टीम के कई ऐसे भी खिलाड़ी थे जो बड़ी पारियां खेलकर मैदान पर सेट थे और भारतीय क्रिकेट टीम की नाक में हमेशा दम कर रखा था इन्होंने अंतिम 10 ओवर तक भी। आपने बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, हम बात शे होप और निकोलस पूरन की ही तो कर रहे हैं। ये तीन विकेट तो दोस्तों पारी के 28वें ओवर के अंदर ही आ चुके थे, लेकिन उसके बाद शे होप ने मानो अपने आप को सीमेंट की तरह मैदान में सेट कर लिया था। वो शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे और उनका साहस बन गए थे निकोलस पूरन। वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान ने क्या कमान संभाली मैदान में आकर दूसरे छोर से। दूसरे खिलाड़ी को शतक पूरा कराने के मकसद से नहीं खेल रहे थे, बल्कि चौके और छक्कों की बारिश कर दी और भारतीय गेंदबाजों को इतना थका डाला कि विकेट लेना तो दूर की बात, हम तो रन बचाने के बारे में सोच रहे थे। और इसी चक्कर में अंतिम पलों में फिर हमें चौके और छक्के भी लगे। लेकिन दोस्तों निकोलस पूरन का शिकार आखिरकार धवन की कप्तानी और शार्दुल ठाकुर की घातक गेंदबाजी के आगे हो ही गया। निकोलस पूरन जो कि दोस्तों क्रीज के दूसरे छोर को बड़ी मजबूती से संभाले हुए थे, जिन्होंने 77 गेंदों में 74 रन बना दिए थे, उनके सामने अपारी के 44वें ओवर में शार्दुल ठाकुर आ चुके थे। दोस्तों शार्दुल ठाकुर कितने उम्दा गेंदबाज हैं हम सभी जानते हैं। धोनी के चेले शार्दुल ठाकुर शातिर गेंदबाजी के लिए ही पहचाने जाते हैं। और 44वें ओवर में एक बार जब निकोलस पूरन ने चौका बढ़कर लगा दिया तो यहीं से पूरन की कमजोरी पता चल गई धवन को भी और शार्दुल ठाकुर को भी। शार्दुल ठाकुर ने इस ओवर की तीसरी गेंद को फुल लेंथ की डिलीवरी में तब्दील किया था, अब स्क्वायर लेग की तरफ से चौका पड़ गया था। यहीं पर धवन ने ठाकुर के साथ मिलकर रणनीति बनाई और इस बार लेग स्टंप को टारगेट किया गया। दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने राउंड द विकेट जाकर पूरी तरीके से चौंका दिया था सबसे पहले तो निकोलस पूरन को, और गेंद को इस तरीके से इनस्विंग कराया कि पूरन आगे बढ़कर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उन्हें बीट कर सीधा विकेट में घुस गई और वो क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद 74 रन की ये बेहद ही मजबूत व सबसे बढ़िया पारी समाप्त हो गई। और दोस्तों यही भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बना। माना कि इसमें धवन की कप्तानी इन्वॉल्व है, लेकिन शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी की आप तारीफ से नहीं हट सकते, उनकी तारीफ तो बनती है और 210 में से 10 नंबर भी बनते हैं, क्योंकि शायद अगर शार्दुल ठाकुर ये विकेट ना लेते तो ना केवल शे होप का शतक हो जाता बल्कि निकोलस पूरन भी हमें बल्ला लहराते नजर आते शतक के जश्न में। ठाकुर ने विकेट लेकर फिर से वेस्टइंडीज की टीम को बैकफुट पर धकेला डेथ ओवर्स में और यही सबसे बड़ी सफलता बनी। लेकिन दोस्तों मैच के इस टर्निंग पॉइंट पर आप ठाकुर की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।